इंडिया का और बांग्लादेश का यही बॉर्डर है, कुछ दिखला नहीं सकते हैं कि पंगा हो जाएगा। तो हे गाइस, अभी हमें इस्लामपुर में और अभी जा रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर के पास, और अभी टाइम हो रहा है 1:15 एंड टोटो से जाएंगे, और बताया जाता है यहाँ से मात्र करीबन 7 किलोमीटर है। तो चलते हैं और देखते रहते हैं क्या कैसा रहता है। लोग टोटो में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं, और यहाँ से मात्र 7 से 8 किलोमीटर है बांग्लादेश का बॉर्डर, तो वहीं पर जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कैसे होता है। हम और मेरे साथ जिया जी हैं, तो दोनों आदमी जा रहे हैं। तो यही है इस्लामपुर का मार्केट, और पता नहीं कौन सा मार्केट है। बोलिए, इस मार्केट का नाम है बड़ा काली वाला रोड, यही नाम है ना, सही बोले ना। तो ये भाई साहब गर्मी से हालत ख़राब हो रहा है, और मस्त खाना वाना खा के जा रहे हैं। यानी ये कौन सा रोड है, और यहाँ से दूसरा उसके बाद जाते हैं। और भाई साहब गर्मी पूछिए मत, हाई हाई लेवल पर। दूसरा ऑटो पकड़ लिया, और ये भरेगा तब खुलेगा। टाइम है जाना पड़ेगा, मोर जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। वैसे हम लोग को एक चचा मिले जो यहाँ होता है, वो बता रहे हैं कि तो क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे, किधर जाओ किधर जाओ किधर जाओ। भाई ऑटो में कोच कोच के पीछे वैसे खा लिया, आगे कोच कोच के बैठा, तीन जन इधर बैठे चुका है, पूरा फुल पहुँच पहुँच के आगे पीछे सारा जगह बैठा चुका, बैठ गया सब कोई। और अभी का सुन ऐसा है भाई, गर्मी हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इतना गर्मी है। तो हेलो जी, फाइनली हम लोग इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास पहुंच गए, और ये है बांग्लादेश का बॉर्डर, और ये लाइन है, और ये रहा बांग्लादेश अपना पड़ोसी मुल्क। और अभी का सीन कुछ ऐसा है, और धूप तो इतना गर्मी है मतलब बता नहीं सकते। और वैसे सोचे हुए थे हम ब्लॉग नहीं बना पाएंगे, बट बना रहे भाई साहब, वही नॉर्मल है जैसे, मतलब थोड़ा एक्साइटेड हूँ, तो आगे वीडियो नहीं बनाएंगे। तो उस हम लोग वो रोड पकड़ के इधर जाएंगे, तब तक यहीं ब्लॉग बना रहा हूँ। चपत्ती का बगान, और भाई साहब धूप इतना ज़्यादा ना, हालत ख़राब हो रहा है। और ये कुछ ऐसा है, उस साइड तो पूरा खाली खाली सा है, उधर भी चाय पत्ती का बगान है उस साइड भी, ऐसे सुनसान रोड है। यही रहा इंडिया और बांग्लादेश का गेट, जो कि कोई नहीं है यहाँ पे, और पता नहीं डर भी लग रहा है उस साइड जाते कि जाए कि ना जाए। वैसे आर्मी वाला है, फ़ोन ऑन सीज कर लिया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, इसलिए पंगा नहीं लेना चाहते हैं। और वैसे मन तो है बहुत जाने का, और वहाँ पे एक रिवर नदी है बहुत अच्छा बड़ा है, तो उधर भी जाने का बस यही रास्ता जाता है, बट समझ में नहीं आ रहा क्या पंगा है। और धूप इतना ज़्यादा है ना, चुभ रहा है चुभ रहा है, गर्मी से हालत ख़राब है। अभी हम लोग नदी के पास जा रहे हैं, और सोचे हुए थे वहाँ जाए बॉर्डर के पास, वहाँ नहीं है इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, ये वाले रोड होते। एंड ये अभी नॉर्मल खेत होते जा रहा है, और उस साइड से मतलब वीडियो बनाना, हाँ बट उस साइड से नहीं जा सकते, वो आर्मी का अपना है, बट हम लोग इधर से जा सकते खेत होते। देखते हैं कितना लोग पैदल चले जा रहे हैं। वैसे ये टी गार्डन है, और ये चेक करेगा इस वहाँ, इसको क्या कहते हैं वैसे मुझे तो नहीं मालूम। एंड अभी का सीन ऐसा, हम लोग वहाँ पर जाएंगे ब्रिज के पास, इन रास्ते से नहीं जा रहे क्योंकि डर लग रहा है, इसीलिए पंगा नहीं चाहते हैं, कोई लफड़ा हो। वैसे कोई नहीं है, ताला लगा हुआ सब। वैसे एक घर दिखा, और ये रहा टी गार्डन। इनसे जगह पे मतलब डर सा रहता है, मतलब अंदर से डर लगता रहता है ये सब जगह पे। तभी हम लोग नदी के पास पहुँचने वाला है, जो नदी है यहीं पर बगल में। और ये टी गार्डन का फैक्ट्री है, और ये रहा बगान, मतलब जहाँ तक देखो तहाँ तक बगान ही बगान है, वैसे इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी। वैसे इन सब जगह पर देखा जाए तो भाई साहब संभल के ही आना है, और वैसे ज़्यादा मतलब आने से पहले एक चाचा से वहाँ पे रोड पे बैठे हुए, तो पूछे हुए चाचा से कि इधर से जाएँ या उधर से, तो वो जो चाचा थे ना, तो बोले यहाँ से इस रोड से जाओ, उस रोड से फिर तुमको फिर लफड़ा दिक्कत होगा, बहुत सारा चीज़ पूछेगा, इसलिए हम लोग लफड़ा नहीं चाहते, बस कुछ बस आराम से सब कुछ हो जाए, घूम ले अपना, मस्त है भाई बॉर्डर देख लिया, और क्या बोलो।
हम लोग नदी के पास आ चुके हैं वैसे, और करीबन किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है नदी के पास आने के लिए, और यही नदी बांग्लादेश जाता है। और यहाँ पे भाई सब को फील ले रहा है, नहा रहा है और चिल मार रहा है, और धूप से हालत खराब हो गए हैं। जो अभी हम लोग नदी के पास आ चुके हैं वैसे, जो नदी यही नदी जो बांग्लादेश जाता है इंडिया से होते हुए, और आगे ये बस ऐसा भी नदी में पानी नहीं है बेसिकली, और यही नदी है जो ऐसे ऐसे होते होते बांग्लादेश जाता है, और बस ये ब्रिज है उसके पार बांग्लादेश है, जो ब्रिज पे हम लोग नहीं जा सकते, बस इधर ही रह सकते। तो यही बात है कि वैसे ब्रिज ये इंडिया में, उसके पार बांग्लादेश है, कुछ भी ऐसा सीन है। अभी हम लोग इंडिया में चिल कर रहे हैं बैठ के, और ये रहा अपना पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का बॉर्डर है यही, और फाइनली हम लोग रोड पे आ चुके हैं, और यही गेट है, और ज़्यादा कुछ दिखला नहीं सकते हैं क्योंकि पंगा हो जाएगा। लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं, और क्योंकि वैसे इस रोड पे चलना मना है, बस यही बात कहना था यार। मतलब धूप से ना आज मतलब व्लॉग बनाने का वैसे मन नहीं कर रहा था, तभी भी सोचे आए हैं घूमने के लिए तो व्लॉग बना लेते हैं। तो बस यही अपडेट है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा, वैसे मज़ा नहीं आया क्योंकि यार इतना गर्मी है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा गर्मी की वजह से। यही है फैंसी लाइन बॉर्डर, एंड ये देख सकते हैं ऐसा कुछ है। तो अब घर की ओर निकल रहे हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। बांग्लादेश का बॉर्डर उस साइड हम